तो अब हम एक और स्ट्रेच पे आ गए हैं, सीसो बाईपास लाइन, जो ये बेला गुमटी है, दाईं तरफ इस तरफ सुंदरपुर चला जाता है ये रास्ता सीसो की तरफ, और बाईं तरफ ये रास्ता जो है जो रानीपुर होते हुए जो काकरघट्टी से हम आए हैं जिस तरफ से, उस तरफ की ये स्थिति बदलती हुई दिखाई दे रही है आपको। यहाँ से मैं दिखा दूँ, ये देखिए ये कनेक्शन यहाँ से इस गुमटी से मिट्टीकरण का काम दिखाई दे रहा है, जो नई मिट्टी भराई आपको दिखाई दे रही है, ये पूरा ये वही लाइन है जो आगे काकरघट्टी की तरफ गई है। हम कोशिश करते हैं इस पर चलने की और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं नज़दीक से कि कहाँ तक हम जा सकते हैं और कहाँ तक ये मिट्टी भराई हुई है। बने रहिए हमारे साथ, हालांकि रास्ता मुश्किल है, कच्चा रास्ता है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं जाने का, तो बने रहिए हमारे साथ। तो हम आ गए हैं इस कच्चे रास्ते पर, ऊँचा नीचा रास्ता है, फिसलन है, लेकिन फिर भी हम धीरे धीरे बाइक को आगे बढ़ा रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बेला गुमटी है, बेला रेलवे गुमटी, उसके पास से ये मिट्टी भराई दिखाई दे रही है। और यही रास्ता जो सीधे चला जा रहा है, जो मौजूदा रेल लाइन है, यही दरभंगा चली जाती है, ये रेल लाइन भी भराई है, इसलिए फिसल रही है बाइक, और बाइक चलाना टफ हो रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहते हैं हम कि आप तक ग्राउंड रिपोर्ट पहुँचाएँ। और ये हम जो नई भराई पर चल रहे हैं इस समय, और यहीं से ये लाइन मोड़ गई है, ये देखिए सीधी लाइन दरभंगा की तरफ जा रही है जहाँ मालगाड़ी खड़ी है, और यहाँ से ये लाइन मोड़ गई है पूर्वोत्तर की दिशा की तरफ, सकरी, झंझारपुर, सरायगढ़ की तरफ ये लाइन मोड़ गई है फारविसगंज की तरफ, और ये यही लाइन पूर्वोत्तर की एक और लाइफ लाइन बनेगी, एक विकल्प के तौर पर इस्तेमाल होगा। हालांकि सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर ये बाईपास लाइन बन गई तो क्या दरभंगा का भला होगा, क्योंकि जो हॉल्ट बनाया जा रहा है बाईपास लाइन के नाम पर, वो हॉल्ट छोटा है, और क्या वो दरभंगा की ज़रूरतों को पूरा कर पाएगा, और जो लंबी दूरी की जो राजधानी शरीफ की गाड़ी चलेगी, क्या वो उसका स्टॉपेज यहाँ पर हो पाएगा, क्या यहाँ पर वो सुविधाएँ मिल पाएंगी। तो फिलहाल आप देखिए यहाँ पर मिट्टी भराई का काम चल रहा है और कई लेयर में काम हो चुका है, एक पुल भी सामने दिख रहा है उसमें भी ढलाई का काम हो गया है और उसमें भी हाथ लगा हुआ है पुल में भी, और ये भराई में यहाँ पर हालांकि रिटेनिंग वॉल की आवश्यकता नहीं है, इसलिए रिटेनिंग वॉल दिखाई नहीं पड़े, कहीं कहीं पर गर्व है, इसीलिए कहीं कहीं पर, या जहाँ बाढ़ ग्रस्त इलाका है जहाँ पर मिट्टी धसकने का भी आशंका है, वहाँ वहाँ पर ये बनाई जा रही है। और ये देखिए आप आबादी के बीचों बीच ये लाइन निकलेगी, ये आबादी है रानीपुर का, ये पूरा इलाका है, और यहाँ पर नई भराई आपको दिखाई दे रही है, और बरसात से पहले पहले इसको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर अगले साल भी जा सकता है ये मिट्टी भराई। तो फिलहाल आप देखिए कि काफ़ी हद तक भराई का काम इस तरफ से हो गया है, हालांकि अब जो चैलेंजिंग है वो है आबादी के बीचों बीच से इस रास्ते को निकालना, और उसमें दिक्कतें आ रही हैं, कुछ लोगों ने विरोध जताया है, घर को तोड़ना पड़ेगा, रास्ता निकालना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ तक ये मिट्टी भराई दिखाई दे रही है, लेकिन इसके आगे आगे रोड ब्लॉक दिख रहा है, प्लॉटिंग जो की गई है वो प्लॉटिंग जो है वो अभी हटाई नहीं गई है, और यहाँ पर यही अड़चन जो है वो आगे दिक्कत पैदा कर सकती है, क्योंकि आगे आबादी है, आगे घर बने हुए हैं, यहाँ पर ये भराई यहाँ पर ख़त्म हो गई है फिलहाल, और इसे आगे ले जाना है, और आगे आपको दिखाएं ये आबादी किस तरीके से यहाँ पर घर लोगों का बना हुआ है, और इन घरों को के बीच से रास्ता निकालना पड़ेगा, और कई घरों को इसमें तोड़ना पड़ेगा मुआवजा दे करके, तो यहाँ से दिक्कतें शुरू होगी, असली दिक्कत यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, क्योंकि मिट्टीकरण का काम यहाँ पर थम सा गया है। तो रानीपुर में यही वो रोड ब्लॉक दिखाई दे रहा है जहाँ पर काम रुका हुआ नज़र आ रहा है, जबकि इस तरफ आप देखें तो काम बिल्कुल वहाँ तक बेला गुमटी तक कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि चाल दिख गया है, लेकिन अभी भी बहुत हद तक इस पर काम बचा हुआ है, और संभवतः जो लोगों का विरोध होगा या
जो कई सारी चीज़ें होंगी हटानी पड़ेगी, क्योंकि रास्ता क्लियर नहीं है यहाँ से। सीसो बाईपास लाइन की ग्राउंड रिपोर्ट, बिल्कुल सीसो बाईपास लाइन पर मेरी बाइक चलती हुई दिखाई दे रही है, और इसी पर आने वाले कुछ सालों में, कुछ महीनों में आपको रेल की पटरियाँ दिखाई देंगी, और उन रेल की पटरियों पर पराठा भरती ट्रेनें भी दौड़ती नज़र आएंगी। फिलहाल यहाँ पर मिट्टी भरन का कार्य दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हमने जैसा आपको बताया कि असली चुनौती उन जगहों पर होगी जहाँ पर लोगों की घर हैं, मकान हैं, और जहाँ पर प्लॉटिंग की गई है, क्योंकि ये इलाका, रानीपुर का इलाका, काफ़ी वीआईपी इलाका माना जाता है, खास करके जब एनएच बना था तो काफ़ी यहाँ पर लोगों को जो है दिक्कतें होंगी अपना घर बार छोड़ने में। और आपको बता दें, ये देखिए पुल, कुछ नए पुल बनाए जा रहे हैं, ज़रूरी भी है पुल बनाना ताकि पानी का आवागमन बाधित ना हो। और इस तरह से, चूँकि ये डूब क्षेत्र है, एक तरह से जब पानी आता है बाढ़ के मौसम में, बरसात के मौसम में, तो दोनों तरफ जो है वो तालाब बन जाता है, समंदर सा दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे ऊंचा करना भी ज़रूरी है और इसकी, इस ट्रैक को मजबूत करना भी ज़रूरी है। तो बाईं तरफ आप देखिए, ये रैक पॉइंट है, एक तरह से यहाँ पर मालगाड़ी से सामान उतरता हुआ दिख रहा है, और यही रास्ता दरभंगा की तरफ जा रहा है, और दाईं तरफ सीतामढ़ी की तरफ जा रहा है, और यहीं पर सीसो में जाके ये लाइन मिल जाएगी, और इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा ये प्रोजेक्ट। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर नॉर्थ ईस्ट की जो ट्रेनें होंगी, जो लंबी दूरी की, जो दिल्ली पंजाब की तरफ जाएंगी, उनको दरभंगा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोको रिवर्सल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो सीधे बाईपास लाइन होते हुए गोरखपुर की दिशा में निकल जाएंगे, सीतामढ़ी रक्सौल होते हुए गोरखपुर की दिशा से निकल जाएंगे। तो यहाँ पर भी एक छोटा सा पुल बनाया जा रहा है ताकि पानी का आवागमन न रुके। तो पुल छोटे छोटे हर जगह दिखाई पड़ रहे हैं, और ये बनाना आवश्यक भी है, क्योंकि अगर ये पुल नहीं बनेगा तो पानी अवरोध पैदा होगा, पानी रुकेगा, और इससे जो है ट्रैक को नुकसान हो सकता है। तो पानी का फ्लो होना ज़रूरी है, और ये चूँकि बाढ़ग्रस्त इलाका है बरसात के मौसम में, तो इसलिए ज़रूरी है कि इसको पानी से प्रूफ किया जाए, वाटर प्रूफिंग ट्रैक बनाया जाए। तो यहाँ तक हम बेला गुमटी तक फिर से हम आ गए हैं, और आगे कोशिश करेंगे कुछ और स्ट्रेच दिखाने की। फ़िलहाल आप समझ लीजिए कि काम बहुत ही तीव्र गति से चल रहा है, लेकिन कुछ एक रोड ब्लॉक्स आ चुके हैं, जिसे देखना होगा कि ज़िला प्रशासन के स्तर पर किस तरह से वो जल्दी से जल्दी वो ज़मीन हैंडओवर की जाती है रेलवे को, और किस तरह से रेलवे बाकी जो बीच बीच के जो स्पॉट हैं उनमें काम को तेज़ गति से आगे बढ़ाता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए, कुछ वीडियो के साथ आ जाएंगे। अब देखते हैं दरभंगा, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।